India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालेवाल। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप का सफर। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जमानत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया। सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने ट्रायल में देरी के लिए आरोपियों को जिम्मेदार ठहराने के ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो अर्जी सिसोदिया के द्वारा दाखिल की गई है, उन्हें निरर्थक याचिका नहीं कहा जा सकता है। अगर ऐसा था तो कोर्ट को उनके सुनवाई के लिए स्वीकार ही नहीं करना था। ट्रायल में अगर देरी हुई है तो इसके लिए जांच एजेंसियों का रवैया ही जिम्मेदार है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी ने एक मुख्य और 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की बात कही गई है और मामलों की जांच अभी भी जारी है और गिरफ्तारियां भी लगातार जारी हैं, जबकि सीबीआई ने मामले में एक मुख्य आरोप पत्र और 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि कोर्ट को ये देखना चाहिए कि क्या सिसोदिया ने जानबूझकर मुकदमे में देरी की है, तो वहीं जांच अभी भी जारी है, तो इस मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष का पहुंचने का सवाल ही नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति के कथित घोटाला मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी और सीबीआई ने अदालत को भरोसा दिया था कि वह 6 से 8 महीनों में ट्रायल पूरा कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे ये लगे कि 6 से 8 महीने में मुकदमा पूरा हो पाए। साथ ही ईडी ने कहा कि गलत तरीके से कमाए गए पैसों को चुनावी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया, पूरी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया। ईडी ने कहा कि ट्रायल में देरी जमानत याचिका पर विचार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि ट्रायल कोर्ट सिर्फ इसी आधार पर सिसोदिया की जमानत अर्जी पर ही विचार करेगा, उस दौरान केस की मेरिट पर विचार नहीं करेगा। तो वहीं ईडी की ओर से पेश वकील जोएब हसैन ने कहा कि कोर्ट को बताया कि हम इस केस में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएंगे, इसको लेकर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी गौतम नवलखा को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा की उम्र को ध्यान में रखते हुए और मामले में जारी ट्रायल के जल्द पूरा न होने के मद्देनजर गौतम नवलखा को जमानत देने का फैसला किया। तो वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में अन्य आरोपियों को भी जमानत दी जा चुकी है। कोर्ट ने कहा कि नवलखा 4 साल से भी ज्यादा समय से जेल में बंद हैं और इस मामले में अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं। ऐसे में मुकदमे में लगने वाले लंबे समय को देखते हुए कोर्ट ने नवलखा को जमानत दे दी है। पेश एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव आरोपी गौतम नवलखा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने नवलखा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि नवलखा 4 साल से हिरासत में है, लेकिन अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं और इस कारण ट्रायल में काफी वक्त लगेगा। मामला 31 दिसंबर 2017 का है और पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए भाषण से जुड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने उस दौरान दिए गए भाषण को भड़काऊ माना और ये तर्क भी दिया था कि उन्हीं भाषणों के बाद स्मारक के पास हिंसा हुई थी। पुलिस ने 2018 में पी वरवर राव, सुधा भारद्वाज, अरुण अरोरा, वर्नो गोल्सालविस
और गौतम नवलखा को गिरफ्तार कर इन पर केस भी दर्ज कर लिया था। कोर्ट ने गौतम नवलखा की जमानत पर लगी बॉम्बे हाई कोर्ट की रोक को बढ़ाने से इनकार किया। साथ ही नवलखा को नजरबंदी के दौरान सुरक्षा खर्च के तौर पर 20 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दावा किया कि नवलखा पर सुरक्षा के लिए बकाया वर्तमान में 1.75 करोड़ हो गया है। मामला 31 दिसंबर 2017 का है और पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए भाषण से जुड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने उस दौरान दिए गए भाषण को भड़काऊ माना और ये तर्क भी दिया था कि उन्हीं भाषणों के बाद स्मारक के पास हिंसा हुई थी। पुलिस ने 2018 में पी वरवर राव, सुधा भारद्वाज, अरुण अरोरा, वर्णो गोलसाल्विस और गौतम नवलखा को गिरफ्तार कर इन पर केस भी दर्ज कर लिया था। गौतम नवलखा पर बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से बेल पर रोक लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। गौतम नवलखा नवंबर 2022 से नवी मुंबई स्थित घर में नजरबंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उम्र और सेहत को ध्यान में रखते हुए नजरबंद रखने का आदेश दिया था। उन्हें पहले जेल में रखा गया था, फिर नवलखा और अन्य सह आरोपियों पर भीमा कोरेगांव स्मारक पर जातीय दंगे भड़काने का आरोप था। भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र में पुणे के पास है। नवलखा को अन्य लोगों के साथ पुणे पुलिस और बाद में एनआईए ने सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने और 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव स्मारक पर जातीय दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गौतम नवलखा एक मानव अधिकार कार्यकर्ता और पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के पूर्व सचिव हैं। उनको अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गौतम नवलखा को पिछले साल जमानत तो दी थी, लेकिन फिर अपने ही आदेश पर रोक भी लगा दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको मानवीय आधार पर घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया था। मामला 31 दिसंबर 2017 का है और पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए भाषण से जुड़ा है। पुलिस प्रशासन ने उस दौरान दिए गए भाषण को भड़काऊ माना और ये तर्क भी दिया था कि उन्हीं भाषणों के बाद स्मारक के पास हिंसा हुई थी। पुलिस ने 2018 में पी वरवर राव, सुधा भारद्वाज, अरुण अरोड़ा, वर्णो गोलसर्विस और गौतम नवलखा को गिरफ्तार कर इन पर केस भी दर्ज कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालती कार्यवाही में योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी पेश हुए। इस दौरान पतंजलि के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने उन उत्पादों की बिक्री रोक दी है जिनके लाइसेंस रद्द हो गए थे। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि पतंजलि को एक हलफनामे में इन उत्पादों के स्टॉक के बारे में भी जानकारी देनी होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की ओर से दिए गए विज्ञापनों पर 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो वहीं कोर्ट के आदेश की अवमानना के एक मामले में अदालत के 2 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामदेव ने योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी कुछ किया है, लेकिन यह मसला अलग है क्योंकि दवा खरीदने वाले उपभोक्ताओं से जुड़ा है, इसमें लापरवाही नहीं बरती जा सकती। साथ ही रामदेव ने कोर्ट से निकलते वक्त जजों को प्रणाम बोला। इस पर जस्टिस ए अमानुल्लाह ने भी जवाब में प्रणाम कहा। अब आगे सुप्रीम कोर्ट में रामदेव और बालकृष्ण को पेश नहीं होना होगा। बेंच ने आगे की पेशी से उन्हें छूट दे दी है। पेश एक रिपोर्ट। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालती कार्रवाई में योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी पेश हुए। इस दौरान पतंजलि के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने उन उत्पादों की बिक्री रोक दी है जिनके लाइसेंस रद्द हो गए थे। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि पतंजलि को एक हलफनामे में इन उत्पादों के स्टॉक के बारे में भी जानकारी देनी होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की ओर से दिए गए विज्ञापनों पर 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से पूछा किन किन राज्यों ने हलफनामा दाखिल किया। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य सरकारें इस बात का ध्यान रखें कि अगर शिकायत दर्ज हुई है तो कार्रवाई करें। कोर्ट ने कहा ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, सरकारों को भ्रामक विज्ञापन को लेकर क्या कार्रवाई की है उसको लेकर डिटेल देनी है।
कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को लाइसेंसिंग अथॉरिटी के जवाब को दाखिल करने के लिए आखिरी मौका देते हुए 4 हफ्ते के बाद सुनवाई करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट में 3 हफ्ते में दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में पतंजलि को बताना है कि जिन दवाओं के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं, उसको दुकान पर बेचने से रोकने और उसको वापस लाने को लेकर उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा FSSAI की तरफ से हलफनामा दाखिल नहीं हुआ है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को एक नया डिटेल हलफनामा दाखिल करना होगा। कोर्ट के आदेश की अवमानना के एक मामले में अदालत की 2 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा कि हमारा मकसद बस इतना है कि लोग सतर्क रहें। बाबा रामदेव में लोगों की आस्था है, उसे उन्हें सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया भर में योग को लेकर जो बढ़ावा मिला है, उसमें योगदान बाबा रामदेव का भी है। बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद और प्रणाम कहा, जिस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा हमारा भी प्रणाम। पतंजलि आयुर्वेद को गलत विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट घसीटने वाली संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की प्रेसिडेंट डॉक्टर RV अशोकन को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरव्यू में अशोकन की टिप्पणियों के लिए उन्हें खरी खरी सुनाई, यह सवाल करते हुए कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी क्यों नहीं मांगी। अदालत ने पूछा, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट था, अगर आप वास्तव में माफी मांगना चाहते थे तो आपने क्यों नहीं किया? साक्षात्कार के बाद आपने खुद को बचाने के लिए क्या किया, हमें बताएं। कोर्ट ने IMA के अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने एक आखिरी मौका दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई जिसमें स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो की वास्तविकता का पता लगाने के लिए स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। इस वीडियो में एक व्यक्ति ये दावा करता है कि बीजेपी विधायक सुवेंदु अधिकारी के कहने पर संदेश खाली में महिलाओं द्वारा बलात्कार के झूठे आरोप लगाए गए, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को बदनाम किया गया, साथ ही आवेदन अनुसूचित जाति समुदाय की महिला द्वारा दायर किया गया। आवेदक पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में हस्तक्षेप करना चाहता है, जिसमें संदेश खाली में बलात्कार और भूमि पर कब्जा करने के आरोपों की CBI जांच के कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती दी गई। बता दूं कि वर्तमान आवेदन में महिलाओं से झूठी बलात्कार की शिकायत दर्ज करने के लिए कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किए जाने के संबंध में कुछ रिपोर्टों का भी उल्लेख किया गया है। इस पृष्ठभूमि में आवेदक ने अदालत से मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए अदालत की निगरानी में जांच करने के लिए विशेष जांच दल गठित करने का आग्रह किया। साथ ही सीनियर एडवोकेट डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी ने जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन का उल्लेख किया। खंडपीठ ने कहा कि अनुरोध पर विचार किया जाएगा, ये कहते हुए कि आवेदक का कोई राजनीतिक जुड़ाव नहीं है और वो केवल मामले की सच्चाई का पता लगाने में रुचि रखती है। उसने कहा कि स्टिंग वीडियो की सामग्री चिंताजनक है। आवेदन में कहा गया कि पश्चिम बंगाल राज्य के नागरिक के रूप में आवेदक को आशंका है कि राज्य में विपक्ष और सत्तारूढ़ सरकार के बीच सभी राजनीतिक अराजकता के बीच संदेश खाली जिले को राज्य में BJP के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक उपकरण बनाया गया। इसके विपरीत जमीन पर स्थित गंभीर है, इसीलिए आवेदक जैसे कई लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए वीडियो का स्वतंत्र विश्लेषण तुरंत आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी बलात्कारी और स्वयंभू बाबा गुरमीत राम रहीम के खिलाफ आपराधिक शिकायत को रद्द करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस संबंध में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश को बरकरार रखा है। इसमें कहा गया कि विशेष अनुमति याचिका में कोई योग्यता नहीं है, खारिज की जाती है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पिछले साल अक्टूबर में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर दिया था। बता दूं कि पंजाब राज्य ने इस आदेश के खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। साथ ही बलात्कार और हत्या के मामलों में जेल की सजा काट रहे राम रहीम पर 2016 में एक सत्संग के दौरान एक भाषण में
की गई टिप्पणियों को लेकर मार्च 2023 में मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने एक आध्यात्मिक गुरु और उनके शिष्यों के बीच संबंधों पर चर्चा करते हुए संत कबीरदास और गुरु रविदास से जुड़ी एक घटना का उल्लेख किया था। साथ ही उच्च न्यायालय ने पाया था कि की गई टिप्पणियां ऐतिहासिक संसाधनों में निहित थी और ये सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं था कि उनकी टिप्पणियां धार्मिक भावनाओं या विश्वासों का अपमान करने के लिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के न्यू गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर दिया, जिस पर कॉलेज की लाइब्रेरी में कुछ किताबें पाए जाने के बाद हिंदू फोबिया या हिंदुओं के खिलाफ और भारत विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया गया था। बता दूं कि जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप बेतुके हैं, क्योंकि जिन किताबों की बात हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में भी पाई जा सकती हैं। अदालत ने इस बात पर अफसोस जताया कि राज्य आरोपी प्रोफेसर इनामुर रहमान को प्रताड़ित करने के लिए इतना उत्सुक क्यों है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में राज्य उत्पीड़न करने को इतना उत्सुक क्यों है, ये तो हुई सिलेबस की बात, वो पहले से ही अग्रिम जमानत पर बाहर था, ये किताब सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में भी मिल सकती है। अतिरिक्त एजी केवीएच पर पेश हो रहे हैं वो भी ऐसे मामले के लिए। साथ ही अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली रहमान की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एफआईआर पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था और मामले को रद्द करने के लिए प्रोफेसर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 10 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई थी। बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इंदौर में शासकीय नवीन विधि महाविश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में हिंदू फोबिक किताबों का दावा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विचाराधीन दो पुस्तकें डॉक्टर फरहत खान द्वारा लिखी गई थी और उनका शीर्षक सामूहिक हिंसा और आपराधिक न्याय प्रणाली और महिला और आपराधिक कानून था। पूर्व में महिलाओं के प्रति हिंदू समाज के व्यवहार की जांच करने वाला एक अंश है, जिसमें दावा किया गया है कि पुरुष प्रधान दुनिया में हिंदू महिलाएं वासना की पूर्ति का साधन थीं और धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि वे पुरुषों के अधीन कैसे थीं। साथ ही एबीवीपी से जुड़े कॉलेज के एक एलएलएम छात्र की शिकायत के आधार पर रहमान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और अन्य अपराधों के लिए पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए करने के आरोप में गैर नागरिक को दी गई जमानत रद्द करने की मांग वाली यूनियन की याचिका पर नोटिस जारी किया। ये मामला मद्रास हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को जमानत देने से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि संघ के पास ये साबित करने के लिए खुफिया रिपोर्ट के अलावा कोई सामग्री नहीं है कि आरोपी एक श्रीलंकाई नागरिक है और हाईकोर्ट अदालतों के पास यूएपीए की धारा 43(d)(7) के तहत ऐसे व्यक्ति को भी जमानत देने का विवेक था जो भारतीय नागरिक नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये अभियोजन पक्ष का मामला है कि आरोपी ने विभिन्न तरीकों से अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और अपनी राष्ट्रीयता को दबा दिया। ये प्रस्तुत किया गया है कि श्रीलंकाई होने के नाते आरोपी रिफास यूएपीए की धारा 43(d)(7) के तहत जमानत का हकदार नहीं है। साथ ही हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध संघ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। संघ की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि आरोपी या प्रतिवादी ने श्रीलंका की अपनी विदेशी राष्ट्रीयता का खुलासा न करके अपनी राष्ट्रीयता को छुपाया है। उन्होंने दलील दी कि एनआईए की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर पहचान छिपाने के लिए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। साथ ही पीठ ने एएसजी से पूछा कि क्या अपीलकर्ता ने आरोपी को अपना पासपोर्ट दिखाने के लिए बुलाया था। इससे इनकार करते हुए एएसजी ने अदालत को सूचित किया कि ये हाईकोर्ट की टिप्पणी के कारण है कि अभियुक्त को अपीलकर्ता द्वारा नहीं बुलाया गया, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब अभियुक्त बाहर आ जाता है तो उसे बुलाने के लिए कोई असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती हैं। साथ ही आरोपी को अपना पासपोर्ट दिखाना होगा। दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी प्रतिवादी को नोटिस जारी किया। मामले को 10 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।
और इसी के साथ फिलहाल के लिए कोर्ट्स राउंडअप में मेरे साथ बस इतना ही, नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप।